हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो वीडियो के अंत तक आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर अच्छे से समझ चुके होंगे। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, साथ साथ चार्ज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट। बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में आपको मिलेंगी और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो आप देख रहे होंगे मैंने एक बोर्ड के प्लेन पर फिगर ड्रा कर दिया हुआ है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको भी समझेंगे कि इसमें क्या, यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, एन एस क्या है और एक रिजिड सपोर्ट क्या है, सस्पेंशन वायर क्या है, सब कुछ जानेंगे। पहले ये समझें कि क्या होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो देखिए, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी एक डिवाइस है जिसका हम कुछ यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज़ अ स्पेशल डिवाइस, इज़ अ स्पेशल डिज़ाइन गैल्वेनोमीटर। मैं लिखता हूँ, देखिए, इट इज़ अ स्पेशल डिजाइन गैल्वेनोमीटर, इट इज अ स्पेशल डिजाइन गैल्वेनोमीटर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। किस लिए यूज करते हो आप इसको, फॉर मेजरिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। किस लिए यूज करते हो, द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज आर इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो आप सिंपली बोलोगे इट इज़ स्पेशल या स्पेशली डिज़ाइन गैल्वेनोमीटर। स्पेशली मैं कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्पेशली डिज़ाइन गैल्वेनोमीटर विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज आर इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द क्वाइल ड्यूरिंग आप इसको स्मॉल टाइम इंटरवल ले सकते हैं या ड्यूरिंग शॉर्ट ड्यूरेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको मेन समझनी है कि क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या समझना है कि एक डिवाइस है जो मेज़र करती है, क्या मेज़र करती है, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज आर इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द क्वाइल ड्यूरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये चीज़ तो हो गई इसके लिए। यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या जोड़ना है आपको, वेन करेंट पास थ्रू द क्वाइल, क्या होने वाला है, वेन करेंट पास थ्रू द क्वाइल, जब करेंट क्वाइल से पास होगा, मीन्स यहाँ पर आप देखोगे, अभी मैं कंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्वाइल है, उस क्वाइल से जब करंट पास होती है, यहाँ करंट जा रही है आई, ठीक है, इधर से करंट आई वापस आ रही है, तो यहाँ क्या होगा, वेन करंट पास थ्रू द क्वाइल मूविंग पार्ट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, क्या होगा, मूविंग पार्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर एक्सपीरियंस अ एंगुलर इंपल्स। इस चीज़ को आपको समझना है कि
जब भी करंट कॉइल से पास होती है तो कॉइल में जो मूविंग पार्ट है, जो नीडल होगी, वो क्या एक्सपीरियंस करती है? वो एक्सपीरियंस करती है एक एंगुलर इम्पल्स को। तो ये था मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो इतना सिंपली आपको एक्सप्लेन करना होता है। अब हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं बताना है, सिंपली ये बताना है ये क्या कंसिस्ट करता है। और एट लास्ट हम लिख देंगे एज शोन इन फिगर। तो लिखते कैसे हैं, देखिए, इट कंसिस्ट कॉपर वायर क्वाइल, ठीक है, इट कंसिस्ट कॉपर वायर क्वाइल। और कॉपर वायर क्वाइल के साथ कंडीशन क्या है? ऑफ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ऑफ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्सिया, लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ऑफ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्सिया। और क्या होना चाहिए इसके अंदर? एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न वाउंड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग फ्रेम एंड इट इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ये है इतनी कहानी कि आपको क्या लेना है, एक क्वाइल लेनी है और उस क्वाइल पर बहुत ज़्यादा टर्न कॉपर वायर के वाउंड करने हैं। और ये जो क्वाइल बनाई गई है किस पर बनाई गई है? एक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम। मैं नॉर्मली आपको बोलूँ कि कोई भी आप प्लास्टिक की क्वाइल ले सकते हो, उस पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न वाउंड करके आप ऐसी क्वाइल बना सकते हो और उसको सस्पेंड करना है सस्पेंशन वायर के थ्रू, कहाँ से? रिजिड सपोर्ट से, इन बिटवीन मैग्नेट, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से सस्पेंड करना है। तो इतनी चीज़ें आपने यूज़ कर ली हैं। यहाँ पे क्या है, N और S क्या है यहाँ पर? ये पोल्स ऑफ मैग्नेट हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने लिख दिया है कि इट इज़ सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि N और S मैग्नेटिक फील्ड जो पोल्स हैं मैग्नेट के, वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इस तरफ जा रही हुई। तो ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी के लिए क्या होगा, थ्योरी आप जरा थ्योरी के लिए देखिए। थ्योरी में एक लाइन कॉमन है कि जैसे ही करंट कॉयल में पास होगी तो क्या होगा, व्हेन करंट आई पास थ्रू द कॉयल। सिंपली देखिए, व्हेन करंट आई पास थ्रू द कॉयल, पास थ्रू द कॉयल। तो कुछ चीज़ें यहाँ आपको बेसिक से लेनी है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ, ज़रूरत नहीं होती लिखने की। देखिए, यहाँ पर जो आर्म BC है कॉयल की और कॉयल की आर्म AD है, ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। जब भी फील्ड मैग्नेटिक, जब भी लेंथ कॉयल की मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है तो आपको मालूम है क्या कि फोर्स वहाँ पर जीरो हो जाता है, क्योंकि F=IBL होता है। देखिए मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा, देखिए पास थ्रू द कॉयल, तो मैं बात करता हूँ फोर्स ऑन आर्म BC and AD ऑफ कॉयल, BC and AD ऑफ कॉयल क्या होगा? एक ये आर्म है AD, एक है BC, तो इन पे क्या कोई फोर्स लगेगा? जरा चेक कर लीजिए,
दैट इज एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। देखिए जो थीटा होता है वो होता है एल और बी के बीच का एंगल, तो मैं इसे ऐसे भी ले सकता हूँ आई, यहाँ देखिए एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी जो एंगल होता है वो एल और बी के बीच में होता है। तो यहाँ देखिए इधर ये लेंथ, इधर लेंथ भी होगी, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो दोनों क्या है, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू जीरो होगी। थीटा की वैल्यू जीरो होने से क्या होगा, यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। बट इन पे जब बात करिए, बट इस आर में बात करिए किस पर, बट फोर्स ऑन, फोर्स ऑन आर्म, कौन सी आर्म होगी, ए बी एंड सी डी, सी डी ऑफ कॉयल, इन आर्म की अगर, इन आर्म्स पर अगर हम फोर्स की बात करें तो देखिएगा इन आर्म्स पर हम बात करें किस पर, यहाँ पर बात कर रहे हैं ए बी पर, ए बी पर फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए एल और बी, एल क्या है ऊपर की तरफ है, एल ऐसे हो गया और बी कैसे हो गया, ऐसे हो गया, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये एल हो गया और ये हो गया बी, दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, दोनों के बीच एंगल बनने वाला है 90। जब 90 बनेगा तो यहाँ पे आई बी एल साइन थीटा, थीटा 90 तो साइन 91 हो गया, आया क्या आई बी एल, मतलब फोर्स जीरो तो नहीं होगा। तो मैं लिख रहा हूँ कि फोर्स ऑन आर्म ए बी एंड सी डी ऑफ कॉइल एफ इक्वल टू आई बी एल क्या होगा, आई बी एल होगा, आई बी एल होगा। यहां पर क्या है, यहां पर इस वाले आर्म पर फोर्स जितना लगेगा उतना इधर भी लगेगा, लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये दोनों फोर्स बनाते हैं टॉर्क, टॉर्क, ठीक है। क्यों, टॉर्क बनाने की कुछ कंडीशंस होती हैं कि दो फोर्स होने चाहिए इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, दोनों एक ही पॉइंट पे ना लगे हों, ठीक है, दोनों पैरेलल हों आपस में, तो ये सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही हैं। इस पर एक, इस पे फोर्स लगेगा, एक फोर्स इस पे लगेगा, ये बाहर लग रहा है, ये अंदर लगेगा, क्यों अंदर लगेगा, जरा देखिए करंट थंब में है, फील्ड लाइन ये हो गई, ठीक, फोर्स क्या होगा, फोर्स पाम के परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन में देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, फोर्स जाएगा अंदर, ठीक है, फोर्स जाएगा अंदर, ये राइट हैंड पाम रूल से है। वैसे इस पे देखोगे तो इस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है, करंट नीचे जा रहा है, तो फोर्स कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, इस वाले में बाहर आएगा, इस वाले में अंदर जाने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं सीधे सीधे ये लिखता हूँ कि फोर्सेज ऑन आर्म ए बी एंड फोर्सेज ऑन आर्म, फोर्सेस देखिए जीरो तो नहीं होगा, कंफर्म हो गया आप, फोर्सेस ऑन आर्म ए बी एंड सी डी, सी डी आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट, दीज फोर्सेस फॉर्म टॉर्क, दीज फोर्सेस, यहां लिखता हूं देखिए, दीज फोर्सेस फॉर्म टॉर्क, दीज फोर्सेस कौन कौन से, इस आर्म पर और इस आर्म पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या बनाता है, टॉर्क। अब मैं इसको हटा देता हूं और टॉर्क की वैल्यू आपको लिख के दिखाता हूं कितनी होगी, ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, देखिए यहां हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है आपको, तो कितना फोर्स आएगा, मैं कितना टॉर्क आएगा मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी बात समझा दी कि कैसे और कितनी वैल्यू आ रही है। चलिए देखिए, तो टॉर्क कितना आया, जो दो फोर्सेस हैं इस आर्म पर और इस आर्म पर लगने वाले फोर्सेस कितना टॉर्क बना रहे हैं, तो टॉर्क कितना बना रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी, इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, ठीक है,
इसको मैं डायरेक्टली भी ले सकता था क्योंकि बुक्स वगैरह में तो डायरेक्टली आपको मिल जाता है, बोला जाता है कि वन करंट आई पास थ्रू द क्वाइल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ क्वाइल इज डिफाइंड एज, वो लिख दिया जाता है टाउ इज इक्वल टू आई ए बी। तो इसका मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आई ए बी आता है, सिर्फ ये फीलिंग दे रहा हूँ कि बी सी और ए डी आर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ए बी और सी डी पर फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, ये दोनों फोर्स टॉर्क फॉर्म करते हैं और वो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है टाउ इज इक्वल टू आई ए बी। यहाँ तक आपको समझना है। अच्छा, ये चीज़ जब समझ में आ जाती है तो फिर एक लाइन लिखनी है, इफ करेंट आई इज अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, इफ करेंट आई इज अप्लाइड। अब थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ क्योंकि देखिए जो थोड़ा समझाने का काम था वो खत्म हुआ, अब फोकस करते हैं सिर्फ थ्योरी पे। क्या यहाँ पे थ्योरी लग रही है वो बता रहा हूँ। इफ करेंट इज अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन डी टी, अगर बहुत थोड़े टाइम के लिए करंट कॉइल में जाए, थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए जाएगा तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एंगुलर इम्पल्स। क्या निकालेंगे, एंगुलर इम्पल्स। देन एंगुलर इम्पल्स यहाँ से एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू कितनी आएगी, जरा देखिए एंगुलर इम्पल्स, अगर मैं बात करता लीनियर इम्पल्स की तो क्या लिखता, लीनियर इम्पल्स होता मैं लिखता फोर्स इनटू टाइम, लेकिन यहाँ एंगुलर है तो एंगुलर में चलता है टाउ, क्या चलता है टाउ, तो क्या लिखा जाएगा टाउ डी टी। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा आई ए बी और यहाँ से आएगा डी टी। ठीक है, अब हम टोटल एंगुलर इम्पल्स निकाल सकते हैं, टोटल एंगुलर इम्पल्स कितना आएगा, टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेशन करिए जीरो से टी तक क्योंकि डी टी का करना है, तो आई ए बी यहाँ आएगा डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करके वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ से आई ए बी बाहर हो गया और ये आया जीरो से टी, यहाँ आएगा डी टी, इसका हो जाएगा कितना आई ए बी और डी टी का हो जाएगा टी, और वैल्यू पुट करोगे जीरो से टी तो क्या आएगा, जाके यहाँ पे आ जाता है आपको आई ए बी और यहाँ से मिलेगा कितना टी माइनस जीरो, तो इसको आप क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो आई ए बी टी। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते थे, मैं इसका भी रफ कर दूं, देखिए तो आई ए बी टी मिल गया, यहां से आई ए बी टी को क्या लिख सकते हो, आई ए बी टी में आई टी को आप लिख सकते हो क्यू, क्या होता है क्यू लिख सकते हैं आप, तो क्यू लिख दीजिए, देखिए एंगुलर इंपल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां लिखा जाएगा सिंस क्यू इज इक्वल टू होता है आई और टी, क्योंकि करंट आई है और छोटा सा टाइम अगर डी टी है, छोटा टाइम डी टी तो बड़ा टाइम तो टी ही होगा, तो यहाँ से आई टी जगह पे क्यू आ गया, तो ए बी और यहाँ आई और टी की जगह पे ले सकते थे क्यू, तो ये एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू आ गई ए बी क्यू, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये है एंगुलर इम्पल्स, टोटल एंगुलर इम्पल्स, टोटल एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू मैंने निकाली, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको आगे यूज भी करने वाले हैं। एंगुलर इम्पल्स निकल आया, तो ये एंगुलर इम्पल्स करता क्या है, this angular impulse produces angular momentum
ड्यू टू कॉइल रोटेट्स, जिसकी वजह से कॉइल रोटेट होती है, किसकी वजह से, एंगुलर इंपल्स की वजह से। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा कितना, एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, आपको पता है ये होता है आई ओमेगा। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। क्या होता है आई ओमेगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो और रोटेशन की जो वेलोसिटी है, क्योंकि लीनियर में वी चलता है, एंगुलर में ओमेगा चलता है, ठीक है, मोमेंटम, क्योंकि अगर लीनियर होता तो मास होता, अगर एंगुलर है तो मास की जगह पर क्या होता, मास की जगह पे क्या होता, देखिए मैं लिख देता हूँ, लीनियर मोमेंटम होता तो पी इक्वल टू एम वी होता। तो जो काम मास का होता है लीनियर में, वही काम रोटेशनल में होता है आई, आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो इसको लिखा जाता है, देखिए इसका सिंबल लीनियर में पी होता है, एंगुलर में जे या एल लिखा जाता है। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाना है कि पी इज़ इक्वल टू एम वी होता है तो जे इज़ इक्वल टू आई ओमेगा भी होता है। चलिए इस बात को समझ गए, ये इक्वेशन नंबर आपके पास टू हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जरूरत है हमको किसकी, हमको इक्वेशन नंबर टू की जरूरत थी, बना ली। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या देखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड से आपको क्या मिल जाएगा, ए बी क्यू इज इक्वल टू हो गया आई ओमेगा, ठीक है। आगे किसकी जरूरत पड़ेगी वो आपको मैं बता दूं, ओमेगा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से ओमेगा निकाल लीजिए, कितना आएगा, ओमेगा निकालोगे तो मिलेगा ए बी क्यू अपॉन आई, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसी साथ एक चीज और लिख लीजिए, इसी के साथ एक चीज और लिख लीजिए, यहां है आई, यहां पर क्या है, यहां आया है आई। तो यहां से मैं एक चीज और आपको बता दूं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू नोट करेंगे आप आई स्क्वायर, क्योंकि आगे चल के मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर हमको जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ थर्ड, ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉइल क्या होगी। तो कॉइल की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रोटेशन आ चुका है तो एनर्जी भी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने तीन इक्वेशन अभी तक ड्राइव करी है, अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या है, कॉइल है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन ब्रैकेट में कॉइल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम में लिखोगे कॉइल इज गिवन बाय, क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर लीनियर की होती तो हाफ एम बी स्क्वायर होता। तो मैंने क्या बोला, रोटेशन में एम की जगह पे आई और वी की जगह पर ओमेगा, तो क्या आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। इक्वेशन नंबर थर्ड थी, इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर फोर। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, या ऐसा कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड इन ट्विस्टिंग द सस्पेंशन वायर, यहाँ पे जो सस्पेंशन वायर है वो अब क्या करेगा, टर्न होगा, ट्विस्ट आएगा इसमें, ट्विस्टिंग द सस्पेंशन वायर, लेकिन यहाँ पर कितना ट्विस्ट होगा, पहले उसके लिए आपको कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, लेट सी बी द
रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट टेस्ट ट्विस्ट सॉरी लेट सी इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट ओके देन रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा रिस्टोरिंग टॉर्क फॉर ट्विस्टिंग थीटा ट्विस्टिंग के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क कितना चाहिए देखिए यूनिट ट्विस्ट के लिए रिस्टोरिंग फोर्स है सी तो थीटा के लिए कितना होगा थीटा से मल्टीप्लाई करिए यहाँ लिखा जाएगा टाउ इज इक्वल टू सी थीटा अब मैं निकालना चाहता हूँ वर्क डन क्या निकालना चाहता हूँ वर्क डन तो वर्क डन कितना आएगा वर्क डन इन एडिशनल ट्विस्टिंग कितनी है डी थीटा थीटा पे टॉर्क कितना हमारे पास था आया था इतना हम डी थीटा और घुमाना चाहते हैं तो कितना काम करना पड़ेगा देखिए डी डब्ल्यू बहुत छोटा सा ट्विस्ट है तो बहुत छोटा सा वर्क डन आएगा तो वर्क डन के लिए क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स रोटेशन में क्या होता है टाऊ तो टाऊ की वैल्यू ये डी थीटा ये तो टाऊ की वैल्यू कितनी सी थीटा यहाँ पर डी थीटा अब टोटल वर्क डन निकाल लीजिए इन ट्विस्टिंग द सस्पेंशन वायर अब मैं इक्वेशन वन को यहाँ से हटा देता हूँ देखिए आप इक्वेशन नंबर थ्री तक पहुंच चुके हैं थ्री क्या फोर तक पहुंच गए हैं जरूरत पड़ेगी आपको इक्वेशन नंबर थ्री की तो मैं इसको छोड़ देता हूं यहीं से देखिए अभी आप निकालने जा रहे हैं डी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क डन कितना होगा टोटल वर्क डन इन ट्विस्टिंग द सस्पेंशन वायर हेंस टोटल वर्क डन इन ट्विस्टिंग द सस्पेंशन वायर कितना हो जाएगा ये आ जाएगा W इज इक्वल टू मैं सही से लिख देता हूँ W इज इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन लग जाएगा यहाँ से कितना है C थीटा D थीटा और कहाँ से कहाँ तक है ये आपके पास जीरो से लेकर के थीटा तक है तो कितनी वैल्यू आ गई सी बाहर रहेगा थीटा अंदर कितना है जीरो से थीटा तक यहाँ थीटा डी थीटा तो देखिए थीटा का स्क्वायर कर लीजिए कितना आ जाएगा थीटा का जैसे इंटीग्रेशन होता था इंटीग्रेशन एक्स एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ कितना है एक्स की पावर एन है तो एन प्लस वन बाई टू होता था एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन सॉरी तो यहाँ कितना आएगा इसकी पावर वन है तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके यहाँ से आ जाएगा जाके सी बाहर रहेगा और ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर बाई टू तो यहाँ से कितना मिल गया यहाँ से जीरो से थीटा है इसको सॉल्व करोगे इसकी वन बाई टू बाहर आ जाएगा वन बाई टू सी और यहाँ से देखोगे आप तो थीटा स्क्वायर माइनस जीरो तो वन बाई टू सी थीटा स्क्वायर आया तो ये इक्वेशन आपको कितनी मिल जाती है ठीक है मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ वन बाई टू सी थीटा स्क्वायर ये इक्वेशन नंबर आपके पास फिफ्थ आ गए तो आप देख पा रहे हो आपको ये समझ में आता है कि वर्क डन क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्योंकि आप काम करते हो तो एनर्जी मिलती है ठीक है तो एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी As we know that kinetic energy is equal to क्या होता है work done यह मैं ऐसा लिख देता कि work done is equal to kinetic energy तो भी गलत नहीं होता using equation
for this using equation, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 4 and 5। तो 4 और 5 से देख सकते हो जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये यहाँ से मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 4 और 5 से, तो क्या मिलेगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 C थीटा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 C थीटा स्क्वायर कर दिया। यहाँ से 1/2 1/2 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा I ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू C थीटा स्क्वायर। देखिए मैंने बोला था कि आपको यहाँ ओमेगा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इससे कहा था मैंने कि इसलिए ओमेगा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैंने कहा था इसको आप अलग से नोट कर लीजिए। देखिए यहां मैं रफ कर देता हूं ऊपर का, इसकी जरूरत है नहीं अभी आपको। तो बहुत सारी चीजें आपने कर ली, कैलकुलेशन एकदम एंड पे पहुंच चुका है, आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर आपने वर्क डन निकाला, और आपको ये समझ में आ रहा है कि वर्क डन ही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप यहाँ तक पहुँच गए। देखिए अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी इक्वेशन नंबर 3 से, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। देखिए क्या आएगा जाके, आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू सी थीटा स्क्वायर। यहाँ से आई से आई ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए आपको निकालना है क्यू, क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर निकलेगा, तो कितना मिलेगा आपको, इधर जाएगा आई सी, क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आई सी मिल जाएगा, आई सी थीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है वो समझ में आया आपको। मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, मुझे सी स्क्वायर चाहिए था, क्या चाहिए था, सी स्क्वायर। तो ठीक है यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसी में सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास आया आई सी थीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, सी से, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आगे। तो क्या आएगा जाके यहाँ से, देखिए क्यू स्क्वायर इज़क्वल टू, यहाँ से मुझे मिलेगा आई, देखिए आई बाई सी मिल गया, आई बाई सी मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया। ठीक है एक साथ लिख दिया, ये आई बाई सी अलग कर दिया मैंने, ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ गया थीटा स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट, या यही वैल्यू छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है यहाँ से क्यू स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ, कौन सी, ये इक्वेशन हमारे पास हो जाती है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई कितनी, 5th तक हो गई थी, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 हो जाती है, कितनी हो गई, 6 हो गई। चलिए अब 6 नंबर तक पहुँच गए, इसके बाद क्या लिखना है, अगर आपके पास इफ बॉडी if body of moment of inertia i, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बॉडी के पास मोमेंट ऑफ इनर्सिया i हो, इफ बॉडी
इफ बॉडी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड सी इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट. इफ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड सी इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट देन वाइब्रेशन ऑफ बॉडी कितना होगा. देन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी कितना होगा. देन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी ये होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी. क्या होता है अंडर रूट आई बाई सी. यहाँ से ज़रा देखिए इसको आप पहले मैं इसको भी रब कर दूँ इसकी भी ज़रूरत मुझे अब नहीं रही. देखिए इसकी भी ज़रूरत नहीं रही आपने कैलकुलेट कर दिया है रिलेशन को. थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है डेरिवेशन बट है बहुत आसान. तो टी इज इक्वल टू स्क्वायर कर दीजिए. टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर आई बाई सी. देखिए आई बाई सी आ गया तो अब क्या कर सकते हो. यहाँ से देखिए आई बाई सी आ गया तो हम क्या करने वाले हैं. हम यहाँ से आई बाई सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे. क्या कर देंगे देखिए आई बाई सी की वैल्यू कितनी आ गई आई बाई सी. मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ देखिए इसके आगे तो आई बाई सी की जो वैल्यू आएगी आई बाई सी यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. ये हमारे पास रिलेशन हो गया 7 नंबर. तो यूज़ करेंगे रिलेशन 6 एंड 7 यूजिंग रिलेशन 6 एंड 7. तो 6 और 7 को यूज़ करोगे तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए यहाँ से आई बाई सी की जगह वैल्यू पुट करिए कितनी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर. तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको ये मिल जाता है कि क्यू इज इक्वल टू देखिए सी अपॉन ए बी ठीक है. और ये क्या मिल गया टी अपॉन टू पाई साथ में थीटा. तो ये तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड रिलेशन है. क्या है रिक्वायर्ड रिलेशन. हमको इसी को एस्टेब्लिश करना था. दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन. तो यहाँ से हम इसको ये भी ले सकते हैं क्यू इज इक्वल टू के टी अपॉन टू पाई थीटा. ये भी ले सकते हैं. ये भी हमारे पास एक रिक्वायर्ड रिलेशन है. इसकी ज़रूरत थी मुझे तो वेयर के इज इक्वल टू व्हाट वेयर के इज इक्वल टू कितना है सी अपॉन ए बी. वेयर के इज इक्वल टू सी अपॉन ए बी. ये क्या होता है ये होता है कांस्टेंट. इट इज़ कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर मटेरियल. क्या होता है के इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर मटेरियल. मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है. K is constant for particular material. K is constant for particular material. और इसको क्या बोलते हो It is called galometer constant. And it is called गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. इसको आप बोलते हो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. तो ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करी. आपको जो रिक्वायर्ड रिलेशन था वो आपने एस्टेब्लिश कर दिया. रिक्वायर्ड रिलेशन क्या है यही है. दिस इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन
दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ये आपको लाना था, ठीक है। और ये फॉर्मूले आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं से आप डिफाइन करोगे आगे कि क्या होता है फिगर ऑफ मेरिट, क्या होता है करंट सेंसिटिविटी, क्या होता है चार्ज सेंसिटिविटी। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, इतना आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि चार्ज सेंसिटिविटी क्या होती है, सिंपल सा, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या, तीनों चीज़ों को एक ही लाइन में समझ लेंगे, ठीक है। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, तो हम लोग पहले बात करेंगे चार्ज सेंसिटिविटी की। तो क्या होता है, देखिए मैं यहां लिखता हूं चार्ज सेंसिटिविटी, चार्ज सेंसिटिविटी, चार्ज सेंसिटिविटी एक्चुअली में है क्या, चार्ज सेंसिटिविटी कुछ नहीं, टफ है, बस एक लाइन के डेफिनेशन है, क्या लिखना है, डिफ्लेक्शन चार्ज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट चार्ज, क्या होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट चार्ज, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्या होता है थीटा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट चार्ज, इसको बोलते हो चार्ज सेंसिटिविटी। चार्ज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, एस क्यू, एस क्यू क्या हो गया थीटा बाई क्यू। अब थीटा बाई क्यू, जरा देखिए थीटा बाई क्यू निकालना है इस रिलेशन से, थीटा बाई क्यू निकाल लीजिए, थीटा बाई क्यू क्या आएगा रिलेशन, थीटा बाई क्यू निकालने के लिए क्या आएगा, देखिए थीटा बाई क्यू, तो ये वाले टर्म इधर चले जाएंगे, क्या आ जाएगा, ये वाले टर्म इधर आ जाएंगे, तो ए बी अपॉन सी आ गया, क्या आ गया ए बी अपॉन सी, ए बी अपॉन सी, देखिए यहाँ से कि क्यू नीचे गया तो ए बी ऊपर गया सी नीचे आया, टू पाई ऊपर गया टी नीचे आया, तो टू पाई अपॉन टी आ गया, टू पाई अपॉन टी आ गया, देख लीजिए कितना आ गया टू पाई अपॉन टी। एक बार मैं करेक्ट भी कर लेता हूँ, यही रिलेशन आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है बेटा, एकदम करेक्ट है, टू पाई अपॉन टी ही आना है, यहाँ से क्या आएगा जरा देखिए, तो ये ए बी अपॉन सी, हमारे पास ये सेंसिटिविटी किसकी आ गई, चार्ज सेंसिटिविटी। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि मुझे करंट सेंसिटिविटी बताओ, तो क्या आएगा करंट सेंसिटिविटी, क्या आएगा करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी देखोगे तो क्या आएगा, करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे, इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज क्या आएगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, क्या आएगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, अगर चार्ज है तो पर यूनिट चार्ज कर दीजिए, करंट है तो पर यूनिट करंट कर दीजिए, इसका मतलब क्या मिल गया, इसका मतलब हो गया करंट का है तो आई, तो आई के लिए कितना आएगा थीटा बाई आई। अब थीटा बाई आई कैसे आएगा, जरा देखिए थीटा बाई आई, अब थीटा बाई आई लाना है, तो आई कैसे आए यहाँ से, अब आई के लिए थोड़ा सा काम करना है, जरा देखिए एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, अभी आपने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था कि टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, जब सी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट हो और थीटा ट्विस्ट हो, तो टोटल टॉर्क कितना होगा, एज वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू कितना है, टाउ इज इक्वल टू आपको मिला था, टाउ इज इक्वल टू मिला था सी थीटा मिला था, और यही टाउ किसके इक्वल मिला था, यही टाउ किसके इक्वल मिला था, एक टाउ और आया था वहां देखा था क्या, आई ए बी, एक टाउ ए बी आया था, जब करंट आई फ्लो होती थी, तो आप इसको ले सकते हो सिंस, सिंस सी थीटा इज इक्वल टू आई ए बी होता है, ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है, यहाँ से जरा देखिए क्या निकालना है थीटा बाई आई, तो थीटा बाई आई क्या निकाल सकते हो, थीटा बाई आई की वैल्यू थीटा आई इसके नीचे लाइए, तो यहाँ आ जाएगा कितना ए बी अपॉन सी, ये होता है क्या, तो यहाँ से लिख सकते हो क्या, हेंस हेंस एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन
ए बी अपॉन सी, ये हो जाता है सेंसिटिविटी ऑफ करंट। यहीं से मैं बात कर लेता हूं किसकी, एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी देखोगे तो क्या आएगा, एस वी आता है। एस वी का मतलब क्या होता है, एस वी का मतलब होता है थीटा अपॉन वी, क्या होता है थीटा अपॉन वी। तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, क्या हो सकता है, यहां से डेफिनेशन अगर बनाना चाहोगे, इज डिफाइंड एज वोल्टेज, ऐसे डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ये आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, एस वी इज इक्वल टू आएगा थीटा अपॉन वी, तो थीटा अपॉन वी मतलब होता है आई आर, क्या होता है आई आर। तो देखिए इसको लिख सकते हो थीटा अपॉन आई, नीचे हो जाएगा आई, तो आई को ऊपर ले गए तो थीटा अपॉन आई हो गया, नीचे आर रहेगा, तो थीटा अपॉन आई को क्या लिखते हो, इसको लिखते हो सेंसिटिविटी ऑफ करंट, नीचे क्या रहेगा आर। तो ये चीज़ हमारे पास क्या मिल गई, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। अब हम यहाँ से एक छोटी सी बात और कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ, क्या आया था आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू इज इक्वल टू आपको मिला है सी अपॉन ए बी टी अपॉन टू पाई इंटू थीटा। तो ये चीज़ है, यहाँ मैं इसको रब कर देता हूँ। सी अपॉन ए बी को आप के लिख सकते थे, वो आपको पता हो चुका था कि क्या होता है, गैलोमीटर कांस्टेंट होता है, वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए बी होती है, ठीक। अब यहीं से जरा एक चीज़ और देख लीजिए, तो ये तीनों सेंसिटिविटी आपने देख ली, ठीक है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं और कुछ लोग सेंसिटिव नहीं भी होते हैं, जिनको थोड़ी सी बात कह दो बहुत ज़्यादा चुभे वो ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिनमें थोड़ा सा चेंज करो लार्ज डिफ्लेक्शन देते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसी को कुछ भी कहते रहो, वैसे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, कितना भी उनको करंट देते रहो डिफ्लेक्शन देते ही नहीं, तो वो सेंसिटिव नहीं है। जिसमें माइक्रो एम्पियर में भी करंट दे दी जाए और वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे दें, वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो देखिए तीनों सेंसिटिविटी आ गई। यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन भी होता है, रिलेशन क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ चार्ज और सेंसिटिविटी ऑफ करंट में रिलेशन है। यहाँ देखिए सेंसिटिविटी ऑफ चार्ज एंड सेंसिटिविटी ऑफ करंट, नोट रिलेशन बिटवीन सेंसिटिविटी ऑफ करंट एंड सेंसिटिविटी ऑफ चार्ज। तो देखिए क्या लिखा था सेंसिटिविटी ऑफ चार्ज का, लिखा था एस क्यू इज इक्वल टू आया था ए बी अपॉन सी टू पाई अपॉन टी आया था। तो देखिए ए बी अपॉन सी को क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन सी को क्या लिख सकते हो, सेंसिटिविटी ऑफ करंट। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एस आई इंटू टू पाई अपॉन टी। इसका मतलब एस क्यू की जो वैल्यू है वो एस आई का टू पाई अपॉन टी टाइम्स होता है। यहाँ से ये बात हो जाती है। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, फिगर ऑफ मेरिट, जरा वो भी मैं बता दूँ। फिगर ऑफ मेरिट, देखिए फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, यह लिख देता हूँ फिगर ऑफ मेरिट, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिगर ऑफ मेरिट कुछ नहीं होता है, रेसिप्रोकल ऑफ होता है, किसका होता है, रेसिप्रोकल ऑफ दो चीज़ें बतानी है, एक सेंसिटिविटी ऑफ चार्ज बतानी है, रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ चार्ज और सेंसिटिविटी ऑफ करंट, दोनों का रेसिप्रोकल है। तो कैसे लिखोगे इसको, आप लिख सकते हो फिगर ऑफ मेरिट को नोटेशन नहीं है, फिगर ऑफ मेरिट ये क्या हो जाता है, ये होता है रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन एस आई होगा। देखिए आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको सही कर देता हूँ, देखिए यहाँ से हटा देता हूँ और एक मिनट,
देखिए यहां बता देता हूं, देखिए क्या है, ये है फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या चीज है? फिगर ऑफ मेरिट कुछ नहीं है, सिंपली डिफाइंड है। कैसा डिफाइंड है? देखिए फिगर ऑफ मेरिट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ चार्ज, सेंसिटिविटी ऑफ चार्ज आर करंट। तो आप क्या लिखते हो, फिगर ऑफ मेरिट दो तरह से डिफाइंड है, फिगर ऑफ मेरिट इज इक्वल टू वन अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ करंट। सेंसिटिविटी ऑफ करंट का फॉर्मूला आप देख चुके हो कितना होता है, सेंसिटिविटी ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है थीटा बाई आई। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आई बाई थीटा, आई बाई थीटा एक। दूसरा क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट क्या आएगी, वन अपॉन एस क्यू, वन अपॉन एस क्यू। एस क्यू क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ चार्ज, सेंसिटिविटी ऑफ चार्ज होता है थीटा बाई क्यू। तो यहाँ से क्या आएगा, क्यू बाई थीटा, क्या आएगा, क्यू बाई थीटा। आप इन दोनों में से किसी तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने बोला था कि एट लास्ट वीडियो के एट द एंड ऑफ आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। एक तो बैलिस्टिक गैलोमीटर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होगी, आप आसानी से उसको समझ गए होंगे। फिर मैंने कहा था कि और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, जिसमें से क्या था, सेंसिटिविटी ऑफ चार्ज था और सेंसिटिविटी ऑफ करंट था, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज था। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मिल गई, फिगर ऑफ मेरिट। कभी फिगर ऑफ मेरिट के बारे में बात होगी, देखिए कहीं कहीं फिगर ऑफ मेरिट कैपिटल जी लिखा होता है कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, तो जी को गैलोमीटर से रिलेट मत करना, कैपिटल जी मतलब ये समझना कि हमारे पास फिगर ऑफ मेरिट है। ठीक है, तो फिगर ऑफ मेरिट की हमने कोई सिंबल यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन आप सिंपली ठीक है पहले इसको देख लीजिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इसको और इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट कहीं ऐसी ज़रूरत नहीं आएगी। आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली। एट लास्ट मैं आपसे यही कहने वाला हूँ कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।